तो कैसे होने वाले स्टेनोग्राफर्स, आज की वीडियो है आरंभ बैच के बारे में जो स्टेनोशाला के मोबाइल एप्लीकेशन पर 5 मार्च से स्टार्ट होने जा रहा है। आरंभ आपकी शॉर्ट हैंड जर्नी का, आरंभ आपके इस स्किल को सीखने का। टू द पॉइंट रखूंगा मैं वीडियो को, प्रिसाइज रखने की कोशिश करूंगा छोटी। और एक चीज का ध्यान दीजिए कि ये क्लास की इंट्रोडक्शन वीडियो नहीं है, शॉर्ट हैंड की इंट्रोडक्शन वीडियो नहीं है, ये बैच का इंट्रोडक्शन है कि आपको बैच में क्या मिलेगा, कब से स्टार्ट होगा और क्या कुछ रहेगा। एक छोटा सा सिनेरियो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ बैच का। तो देखिए स्टार्ट करते हैं। ये वीडियो ऐप पर भी अवेलेबल रहेगी और यूट्यूब पर भी, दोनों जगह अवेलेबल रहेगी, दोनों जगह आप लोग इसको देख सकते हैं। आरंभ बैच स्टार्ट होने जा रहा है स्टेनोशाला ऐप पर, जिसमें कि कंप्लीट शॉर्ट हैंड कोर्स कराया जाएगा आपका, शॉर्ट हैंड कोर्स बेसिक से एडवांस तक। देखिए अलग अलग तरह की लेवल्स होती है शॉर्ट हैंड कोर्स में। स्टार्टिंग में होता है बेसिक लेवल, जिसमें आप बनाना सीखते हैं वर्ड्स को शॉर्ट हैंड में। मान लीजिए आप इंग्लिश शॉर्ट हैंड कोर्स कर रहे हैं तो आप इंग्लिश के वर्ड्स को शॉर्ट हैंड में बनाना सीखते हैं। फिर आता है शॉर्ट हैंड में एडवांस लेवल, कि जो आप सीखे हैं उनको, जो आउटलाइंस हैं उनको आप और शॉर्ट बनाते हैं, यानी कि जो आउटलाइंस आपने बनाने सीखे हैं उनको आप और शॉर्ट बनाते हैं। फिर आता है प्रैक्टिस लेवल, जिसमें कि आपको कंप्लीट लिखना आ जाता है, हर वर्ड आप शॉर्ट हैंड में लिख सकते हैं। फिर आपको करनी होती है प्रैक्टिस, फ्रेजेस की, वर्ड्स की स्पीड प्रैक्टिस होती है वो। तो ये 3 लेवल होते हैं शॉर्ट हैंड में। अच्छा, ये जो आरंभ बैच है, आरंभ जो बैच है ये हर उस स्टूडेंट के लिए है जिसको पता ही नहीं कि शॉर्ट हैंड है क्या, जिसने आज से पहले कभी शॉर्ट हैंड का, स्टेनो का नाम नहीं सुना, उन सभी स्टूडेंट के लिए आरंभ बैच है। जो स्टूडेंट बिल्कुल जीरो पर बैठा है, जो स्टूडेंट बिल्कुल जीरो पर है, उसको जीरो से लेके एडवांस लेवल तक शॉर्ट हैंड सिखाई जाएगी, शॉर्ट हैंड सिखाई जाएगी, समझाई जाएगी। अब होगा क्या इस बैच में, सबसे पहले तो ये इंग्लिश शॉर्ट हैंड के लिए है। कौन सी लैंग्वेज के लिए है? इंग्लिश शॉर्ट हैंड के लिए ये बैच रहेगा। फीचर्स क्या कुछ रहेंगे इसमें आप लोगों के लिए मैं बता देता हूं, यहां पे लिख देता हूं। लाइव क्लासेस आप लोगों के लिए रहेगी डेली, प्लस रिकॉर्डेड क्लासेस भी रहेंगी, रिकॉर्डेड क्लासेस भी आप लोगों के लिए अवेलेबल रहेंगी। तीसरी चीज और जो मेन चीज है, डिस्कशन ग्रुप रहेगा, देखिए एक डिस्कशन ग्रुप अवेलेबल है एप्लीकेशन पर ओपनली सभी स्टूडेंट्स के लिए। जो स्टूडेंट साइन अप कर लेता है वो वहां पे जाके डिस्कशन कर सकता है। ये जिस डिस्कशन ग्रुप की मैं बात कर रहा हूं, ये सिर्फ उन स्टूडेंट्स के लिए होगा जो इस बैच में एनरोल करेंगे, यानी कि जो स्टूडेंट इस बैच में एनरोल करेंगे उनके लिए होगा। ये डाउट ग्रुप भी है और डिस्कशन ग्रुप भी है। जो स्टूडेंट लाइव क्लासेस नहीं ले पाए, मान लीजिए आज लाइव क्लास हुई, आज आप उसको अटेंड नहीं कर पाए, बाद में आपने उसको रिकॉर्डेड फॉर्म में लिया है और उसके रिगार्डिंग आपके कोई डाउट्स रह गए हैं, तो वो चीजें आप यहाँ पे ग्रुप में आके पूछ सकते हैं। अदर स्टूडेंट से भी पूछ सकते हैं, टीचर से, मुझसे भी पूछ सकते हैं। दोनों ऑप्शन आपके लिए रहेंगे। लाइव क्लासेस में चल रही है, वहां पे आप डाउट पूछ सकते हैं। अगर आप बाय द वे लाइव क्लास अटेंड नहीं कर पाए किसी दिन, या कर ली उसके बाद भी कोई डाउट है किसी भी तरह का, वो आप यहाँ पे पूछ सकते हैं। एक चीज और मैंने क्लियर कर दी, एक जो नॉर्मल डिस्कशन ग्रुप है एप्लीकेशन में सभी स्टूडेंट्स के लिए, ये वो नहीं है, उससे अलग है। ये मिलेगा आपको बैच के अंदर में, जब आप बैच में एनरोल हो जाओगे तब मिलेगा। इससे नेक्स्ट चीज क्या है, किसके लिए रहेगा ये? ये हर उस स्टूडेंट के लिए रहेगा जिसने आज तक शॉर्ट हैंड का नाम नहीं सुना है, यानी कि जो बिल्कुल जीरो है शॉर्ट हैंड के मामले में, बिल्कुल न्यू है, उसको पता ही नहीं है शॉर्ट हैंड क्या है। कौन से एग्जाम्स के लिए रहेगा? देखिए इंग्लिश में जितने भी स्किल टेस्ट होते हैं ना ऑल ओवर इंडिया, इंग्लिश स्टेनो के जितने भी स्किल टेस्ट होते हैं ऑल ओवर इंडिया, लीगल मैटर्स हो, कोई कोर्ट का स्किल टेस्ट हो, एसएससी का हो, डीडीए का हो, ईएसआईसी का हो, डीआरडीओ का हो, कोई भी हो, रेलवे में हो, कोई भी स्किल टेस्ट हो, हर एक में आपको ये बैच काम आएगा। इसमें आप लोग शॉर्ट हैंड में लिखना सीखोगे, वर्ड्स को बनाना सीखोगे। बैच रहेगा बेसिक्स टू एडवांस और इसकी ड्यूरेशन रहेगी 3 मंथ्स की। ड्यूरेशन का मतलब क्या है मेरे से,
ड्यूरेशन है बैच ड्यूरेशन की, कितने दिन में बैच कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। और वैलिडिटी क्या रहेगी, वैलिडिटी रहेगी 1 ईयर की, यानी कि 1 साल तक जो क्लासेस हैं उनको आप ले सकते हैं कभी भी ऐप को ओपन करके। 3 मंथ्स में कोर्स कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद में आप कभी भी 1 साल तक वीडियोस को किसी को भी देखना चाहे आप इजीली देख सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं उनको। ये सारी चीजें हैं इस बैच में। मेन फोकस रहेगा मेरा आप लोगों के लिए शॉर्ट हैंड को बिल्कुल इजी बना दूं, जो फोबिया है अभी लोगों में कि पता नहीं क्या है, कौन सी लैंग्वेज है, सीख पाएंगे नहीं सीख पाएंगे, इस चीज को इतना इजी बना दूं ना आप लोगों के लिए कि हर वो स्टूडेंट सीख पाए जिसको अभी तक शॉर्ट हैंड से डर लगता है। तो 5th of March से क्लासेस स्टार्ट हो रही है और ये बैच के बारे में इंट्रोडक्शन क्लास है। देखिए शॉर्ट हैंड की क्लास नहीं है ये, बैच के बारे में कि बैच में क्या कुछ रहेगा, एक ब्रीफ नोट आप लोगों के लिए है क्या मिलने वाला है आप लोगों को बैच में। तो ये सारी चीजें रहेंगी, लाइव क्लासेस, रिकॉर्डेड क्लासेस भी मिलेंगी साथ में आप लोगों को, डिस्कशन ग्रुप भी मिलेगा जहां पे आप अपने डाउट्स पूछ सकते हैं, डिस्कस कर सकते हैं अदर स्टूडेंट से, स्ट्रेटजीज आपस में शेयर कर सकते हैं, पूछ सकते हैं, अपनी स्ट्रेटजीज शेयर कर सकते हैं।